हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC आपके लिए नित नए टूर पैकेजेस लेकर आ रहा है और आपको देश और दुनिया घूमने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। हम आपको बता दें कि IRCTC के ये टूर पैकेज किफ़ायती भी होते हैं और सुविधाजनक भी, तभी तो हर कैटेगरी और हर उम्र के लोग इन टूर पैकेजेस के माध्यम से यात्रा करना पसंद करते हैं। IRCTC अपने टूर पैकेजेस की इसी कड़ी में फिर एक बार बहुत शानदार और सस्ता पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में आप भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन द्वारा देश के 7 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। यात्रा के साथ आपको रहने खाने की सारी सुविधाएं भी मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा पैकेज की पूरी डिटेल्स देंगे। यात्रा कहाँ से शुरू होगी, यात्रागण किस किस स्टेशन से रेल में चढ़ सकेंगे और वापसी में उतर सकेंगे, यात्रा कितने दिन की होगी, यात्रा में कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, यात्रा में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, यात्रा पैकेज की दिनांक कौन सी है, पैकेज की प्राइस अर्थात किराया कितना है तथा पैकेज की बुकिंग कैसे कराएं, ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा पैकेज की डिटेल्स इस प्रकार है। ये टूर पैकेज 9 रात्रि और 10 दिन का होगा। इन 10 दिन की यात्रा में आपको 7 ज्योतिर्लिंग मंदिरों सहित और भी कई धार्मिक स्थलों की विजिट करने और खूबसूरत जगहों को देखने का मौका मिलेगा। यात्रा 17 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से प्रारंभ होगी। यात्रा की शुरुआत तो गोरखपुर से होगी, लेकिन यात्रीगण मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी तथा ललितपुर जंक्शन से भी रेल में चढ़ सकेंगे। यात्रा पैकेज के तहत आप ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे। यात्रा में रेल, बस, होटल, भोजन और इंश्योरेंस शामिल है। आइए अब जान लेते हैं इस यात्रा पैकेज के दौरान आप कब कब कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। यात्रा का पहला दिन, निर्धारित कार्यक्रमानुसार यात्रा के पहले दिन 17 नवंबर 2023 को रात्रि 12:05 पर ट्रेन गोरखपुर स्टेशन से प्रस्थान करेगी। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ तथा सुबह प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ और दोपहर बाद कानपुर, उरई और शाम को वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी तथा ललितपुर स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों को लेती हुई ट्रेन दूसरे दिन सवेरे उज्जैन पहुंचेगी। यात्रा का दूसरा दिन, सवेरे उज्जैन पहुंचकर ओंकारेश्वर जाएंगे और वहां ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे। वापस उज्जैन आकर रात्रि विश्राम उज्जैन में ही करेंगे। यात्रा का तीसरा दिन, यात्रा के तीसरे दिन यानी 19 नवंबर को प्रातः उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे। उज्जैन में अन्य दर्शनीय स्थल देखेंगे और सायंकाल उज्जैन से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा का चौथा दिन, सोमनाथ पहुंचकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे तथा आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की विजिट करेंगे। उसके बाद रात्रि 11 सोमनाथ से द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा का पाँचवा दिन, द्वारका पहुंचकर भगवान श्री द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बेट द्वारका जाएंगे। ट्रेन रात्रि में 10 नासिक रोड के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का छठा दिन, शाम को नासिक पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम नासिक में ही करेंगे। यात्रा का सातवां दिन, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर बाई बस औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। औरंगाबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करेंगे और रात्रि में 11:30 वहां से पुणे के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा का आठवां दिन, यात्रा के आठवें दिन यानी 24 नवंबर को
प्रातः पुणे पहुंचकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। रात्रि में रिटर्न जर्नी के लिए पुणे से प्रस्थान करेंगे। यात्रा का नौवां दिन, यात्रा के नौवें दिन ललितपुर और वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी होते हुए वहां उतरने वाले यात्रियों को ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा का दसवां दिन, यात्रा के दसवें दिन औरई, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज संगम, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या कैंट और मनकापुर में डी बोर्डिंग करते हुए 26 नवंबर की शाम गोरखपुर पहुंचेंगे। और इस तरह सुखद स्मृतियों के साथ आपकी सात ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का समापन होगा। यात्रा पैकेज का चार्जेज, इस टूर पैकेज के चार्जेज की बात करें तो कंफर्ट क्लास सेकंड एसी, सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग अर्थात एक रूम में एक, दो और तीन जने एक साथ रह सकते हैं, उसका प्रति व्यक्ति किराया होगा 42,200 रुपये और 5 से 11 साल के बच्चे का किराया होगा 40,650 रुपये। स्टैंडर्ड क्लास थर्ड एसी, सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग का किराया प्रति व्यक्ति 31,800 रुपये तथा 5 से 11 साल के बच्चे का किराया 30,500 रुपये होगा। इकोनॉमी कैटेगरी में स्लीपर क्लास का किराया होगा प्रति व्यक्ति 18,950 रुपये तथा 5 से 11 साल के बच्चे का किराया 17,850 रुपये होगा। बुकिंग कैंसिलेशन पॉलिसी इस प्रकार है। यात्रा पैकेज में क्या क्या शामिल है? यात्रा पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है? इस यात्रा पैकेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस चैनल पर हम आपको IRCTC के टूर पैकेजेस की इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।